एक महीने पहले यूपी के एक जिले की पुलिस ने उधम सिंह नगर उत्तराखंड की रहने वाली महिला, उसकी मां सहित 7 लोगों को शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने और चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। ये महिला गैंग के साथ मिलकर पहले युवक से शादी करती थी और फिर घर से सारा कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से टेस्टिंग अभियान चलाया गया तो HIV संक्रमित लोगों की सूची में लुटेरी दुल्हन भी शामिल थी। दिसंबर में कराई गई जांच में महिला ने संक्रमित निकलने के बावजूद इलाज नहीं कराया और मोबाइल फोन बंद कर दिया था। स्वास्थ्य विभाग ने भी मोबाइल बंद होने के बाद महिला की खोज खबर नहीं की। विभाग ने अभियान में महिला का नाम देखकर उसके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि वो यूपी के जेल में बंद है। विभाग ने NGO की मदद से महिला के संपर्क में आए लोगों को ट्रेस करना शुरू किया। जांच में अब तक 3 लोग HIV संक्रमित मिल चुके हैं। सूत्रों के अनुसार ये संख्या 5 के आसपास हो सकती है। लुटेरी दुल्हन की मां नशीले पदार्थों की तस्करी और गलत कार्यों में लिप्त थी, इसी वजह से वो अपनी बेटियों को लेकर पति से अलग रहती थी। महिला की बड़ी बेटी गलत संगत में पड़कर लुटेरी दुल्हन बन गई और HIV से संक्रमित हो गई। महिला अपनी बेटी के साथ अपराध में भी भागीदार बन गई। यही नहीं, छोटी बेटी भी नशे की लत में इस कदर डूबी कि कुछ समय पहले ही नशे की ओवरडोज से उसकी मौत हो गई।